हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथ्स का एक चैप्टर, इस चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 कंप्लीट कर ली थी और 4.3 के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कर चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखना। क्यों? क्योंकि उन वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन किया है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग टू क्वेश्चंस। ये टू क्वेश्चंस करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये टू क्वेश्चंस क्या हैं, इनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन बोलने का मतलब ये फास्ट चलेगी, पैसेंजर ट्रेन बोलने का मतलब ये स्लो चलेगी, मतलब जगह जगह पे स्टॉप लेती रहेगी। टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो मैसूर एंड बेंगलोर के बीच में दो ट्रेनें चल रही हैं, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कहाँ से चल रही हैं? मैसूर से चल रही हैं बेंगलोर तक। और ये जो डिस्टेंस है ये 132 किलोमीटर की है। तो ये दोनों ट्रेनें यहाँ तक आएंगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी? 132। अब ये एक्सप्रेस ट्रेन है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुँचेगी और पैसेंजर ट्रेन लेट पहुँचेगी। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब वो जो बीच में स्टेशन पे रुकेंगी उन वाले टाइम को हमको नहीं लेना है, जितने टाइम के लिए रुक रही हैं उस टाइम को काउंट नहीं करना है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की जितनी स्पीड है उससे भी 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? एक्सप्रेस ट्रेन की। तो बच्चों हम क्या कर लेते हैं, स्पीड को कंसीडर कर लेते हैं एक्स, किसकी? पैसेंजर ट्रेन की। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स। पैसेंजर ट्रेन की अगर स्पीड पता है तो क्या हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्स प्लस 11। अब बच्चों ये दोनों ही ट्रेनें इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, हाँ, अगर हमको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्या दोनों ट्रेनें कितना कितना टाइम लेंगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, और टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों हर बार आपके जब भी ये वाले क्वेश्चंस आए ना जहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की बात हो रही हो, तो यहाँ पे अगर दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी चीज़ आप फाइंड आउट कर लो। सपोज करो इस क्वेश्चन में अगर हमको टाइम और स्पीड गिवन होता तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, अगर हमको डिस्टेंस और टाइम गिवन होता तो हम स्पीड फाइंड करते हैं। इस केस में हमको टाइम गिवन नहीं है, बस टाइम का कंपैरिजन दे रखा है कि ये जो है वो 1 आवर लेस लेगी इससे। तो देखे तो सही एक बार दोनों को टाइम कितना लग रहा है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, और इसका फॉर्मूला होगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम को T1 लिख देते हैं, डिस्टेंस है 132 और स्पीड है इसकी x, ठीक है। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, इसको T2 कंसीडर कर लेते हैं, डिस्टेंस होगी 132 और स्पीड होगी हमारी x प्लस 11, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x प्लस 11 है। अब हमारा केस क्या बोल रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उससे 1 आवर लेस कौन लेगा? एक्सप्रेस ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से मैं अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो मुझे एक्सप्रेस ट्रेन का ही टाइम मिलेगा। आप सोच के देखो एक बार, पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू आप यहाँ से ले लो, ये हो गया 132 बाई एक्स सब्ट्रैक्ट 1 इक्वल टू 132 डिवाइड एक्स प्लस 11। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ऊपर मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। बच्चों इस वाले नंबर को भी उस साइड ले जाते हैं और इक्वल में क्या रख देते हैं हम, 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पे हम हमेशा कितना रख रहे हैं, 0। 132 डिवाइड एक्स माइनस 132 डिवाइड एक्स प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस वाले नंबर को जब मैं उधर ले गया, यहाँ पे ये प्लस का है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो इस वाले पार्ट को भी रफ कर रहा हूँ। एक्स पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, एक्स प्लस 11 एक्सप्रेस ट्रेन की, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। इनका एलसीएम कितना आएगा, जब भी वेरिएबल्स डिवाइड में आ जाएं तो आप प्रोडक्ट कर दो, बस आपका एलसीएम आ जाएगा। एक्स एक्स प्लस 11 और 1 का प्रोडक्ट कर दिया तो इतना ही आएगा। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यही बचेगा एक्स प्लस 11। एक्स प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, माइनस। अब एक्स प्लस 11 से एक्स प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स। एक्स को सब मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, माइनस माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर ही बच रहा है, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इक्वल के उधर ले जाएं तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होकर के खुद 0 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, 132x प्लस 132 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी होता है, आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में यूनिट डिजिट का नंबर ले लो, स्टार्टिंग में जो बचा हुआ नंबर है इन दोनों को ऐड करो, 13 प्लस 2 15, 15 का 5 तो डाल दो इनके बीच में, और जो बचा हुआ नंबर है उसको आगे प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2514। ठीक है, कैलकुलेशन टाइम बचाने का एक तरीका है बस। आपको अगर ट्रिक नहीं आती है तो आप पूरा मल्टीप्लाई करो, गलती के चांसेस नहीं रखने हमको। माइनस 132x, माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लाइक टर्म्स हैं, सीधा ही कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452। अब बच्चों मेरी कोशिश क्या रहती है हमेशा कि मैं एक्स स्क्वायर के आगे जो मल्टीपल रखता हूँ वो पॉजिटिव का रखता हूँ, बट यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आप यहाँ से कॉमन ले लो और नेगेटिव साइन को यहाँ पे भेज दो। नेगेटिव साइन कॉमन लेने का मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कर दो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। बच्चों अब तो आपको आ गया होगा कि a b c की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है, 11
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर माइनस 4 एक अब मल्टीप्लाई में कितना है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है 1 तो ए की वैल्यू हो गई 1। सी कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 1452 डिवाइड 2a दैट मीन्स 2 इंटू 1। इसको और अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा हमारा माइनस 11 प्लस माइनस रूट 121 माइनस 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 प्लस 4 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं 4 टू जा 8 0 टू 16 18 का 8 1 इधर होल डिवाइड 2। बचा हुआ काम मैं ऊपर करता हूँ, आप इसको नोट कर दो। इसको ऐड करें कितना आएगा माइनस 11 प्लस माइनस रूट 8 प्लस 1 9 0 प्लस 2 2 8 प्लस 1 9 5। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है वो आप देख लो 5929। डायरेक्ट तरीका अगर आपको करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तो देखो सबसे पहले तो जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसमें दो दो नंबर का क्या बना दो ग्रुप बना दो या फिर पेयर बना दो। आप यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर बन रहे हैं। अब सबसे पहले 10th डिजिट देखते हैं कितनी आएगी। क्या 59 किसी का स्क्वायर होता है 59 से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओ 58 56 55 54 53 52 51 50 49 49 स्क्वायर रूट होता है किसका 7 का। अब यहाँ पे आप यूनिट डिजिट देखो यूनिट डिजिट कितनी है 9। 9 किसके स्क्वायर में आता है एक तो 33 या 9 होता है और एक होता है 77 या 49। तो या तो आंसर आएगा 73 या फिर आंसर आएगा 79। आप मल्टीप्लाई करके देख लो 73 को 73 से 9 ये नहीं आ रहा है 100% 79 इसका आंसर होगा करके देख लो। सॉरी बच्चों मेरे को यहाँ पे 7 लगाना था 77 जो 49 होता है 9 5929 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 77 प्लस माइनस 77 होल डिवाइड 2। अब एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का। स्पीड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती स्पीड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती तो यहाँ पे एक आंसर आएगा नेगेटिव में ये और एक आंसर आएगा पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव में आएगा और ये आएगा नेगेटिव में। ये हो गया आपका 66 अपॉन 2 और ये हो गया माइनस 88 अपॉन 2। यहाँ से स्पीड आ गई 33 और यहाँ से स्पीड जो भी आएगी नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो हमारी जो ट्रेन थी पैसेंजर ट्रेन उसकी स्पीड आ गई हमारी 33। तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी x प्लस 11 दैट मीन्स 33 प्लस 11 44। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 4 6 8। दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम हमको दे रखा है ठीक है। साइड वाइड के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24 फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर्स। अब बच्चों सपोज करो
एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम जो है वो 4, 6, 8 है। ठीक है, किसका सम? एरिया का सम। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो साइड तो पता ही नहीं है, ना इसकी पता है ना इसकी पता है, तो लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी एक्स, लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी एक्स। अब इसकी साइड अगर पता पड़ गई तो क्या एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, साइड इनटू साइड से एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब बच्चों दो नंबर्स का सम दे रखा है, मैंने आपको पहले एक हिंट बता चुका हूँ, दो नंबर्स का सम दे रखा है, उनमें से एक नंबर अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरा नंबर कितना होगा? 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर का एरिया अगर एक्स स्क्वायर है तो दूसरे स्क्वायर का एरिया इतना ही होगा। हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ, या पहले लिख देते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, यह है हमारा 4, 6, 8। दोनों का सम पता है, दो स्क्वायर के एरिया का अगर सम करेंगे तो इतना आएगा, इसमें से एक का एरिया अगर माइनस करेंगे तो दूसरे का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ अदर स्क्वायर, फोर सिक्स एट माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। अब बच्चों पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो 24 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्क्वायर छोटा होगा और एक स्क्वायर बड़ा होगा। पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, और स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। अब जिसकी साइड पता है क्या उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 4x, 4 × साइड होता है, यहाँ पे हम 1 की जगह स्मॉल लिखते हैं और अदर की जगह हम क्या लिखते हैं? लार्ज। एक स्क्वायर को छोटा मान लेते हैं और एक स्क्वायर को बड़ा। अब बच्चों दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस जो है, पेरीमीटर का डिफरेंस आ रहा है हमारा 24। डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ये आ रहा है हमारा 24। अब डिफरेंस कैसे मिलता है? बड़े स्क्वायर के पेरीमीटर में से छोटे स्क्वायर के पेरीमीटर को सबट्रैक्ट कर देना। पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, ये हमारा कितना आना चाहिए? 24। अभी तक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। लार्ज स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो होगा 4 × साइड। कितना होगा? 4 × साइड। अब आप बोलोगे सर साइड तो पता ही नहीं है। बच्चों एरिया दे रखा है, एरिया होता है साइड स्क्वायर। लार्ज जो स्क्वायर है उसका एरिया हमको दे रखा है 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा तो साइड मिल जाएगी। साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर स्क्वायर ये हो जाएगी अंडर रूट 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम काम करते हैं, पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर जो होगा 4 × अंडर रूट 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर जो है वो 4x होगा और इक्वल टू कितना आएगा? 24। अब देखो बच्चों एक इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन को आपको बस क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। बच्चों यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 4 कॉमन आ रहा है,
जो कॉमन आ रहा है 4, उसको कॉमन ले लेते हैं, फिर उसको डिवाइड में भेज देंगे। इस टाइप से अंडर रूट 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 24, और ये 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अंडर रूट 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 6 रह जाएगा, इक्वल टू 6 रह जाएगा। बट अभी तक हमारा अंडर रूट नहीं हटा है, अंडर रूट को हटाते हैं। रुको, पहले आप इतना नोट करो ताकि मैं ऊपर वाले पार्ट को क्या कर दूँ, रफ कर दूँ। ठीक है, हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है मेन, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो जो फाइंड आउट करना है सब मिल जाएगा। अब ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने का सबसे अच्छा लॉजिक होता है कि आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। बट जब हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट पूरे तरीके से नहीं हट पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो टर्म्स हैं, यहाँ पे एक ही टर्म होनी चाहिए। अब उसको कैसे कर सकते हैं, माइनस एक्स को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे अकेले में अंडर रूट वाला एक नंबर रह जाएगा। अंडर रूट 4, 6, 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स हो गया। अब दोनों जगह क्या कर देते हैं, स्क्वायर। दोनों जगह स्क्वायर करने से अब यहाँ का अंडर रूट एज इट इज हट जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यहाँ स्क्वायर मतलब रूट हट गया स्क्वायर करने से, और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करते ही हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आने का मतलब स्मॉलर स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। फोर सिक्स एट माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है आपको, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिक्स सिक्स एक्स एक्स, फोर सिक्स एट माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, या तो इन दोनों नंबर को यहाँ ले आएं या फिर इन सबको उधर ले जाएं। मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखना है, इस पर फोकस करो, ये पॉजिटिव है, इसको यहाँ लाएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करते हैं, सब इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा 36 12x एक्स स्क्वायर, ये इधर आकर के प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और वो उधर आकर के 4, 6, 8 माइनस का हो गया, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0। 36 प्लस 12x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, 6, 8 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं बच्चों, सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 4 एज इट इज़, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। अभी भी हमको दो तीन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो आप या तो 2 कॉमन ले लो या फिर एज इट इज़ इसको ए बी और सी मान लो। मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लेने पे हमारे यहाँ बनेगा 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 216 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा, और हमारी इक्वेशन जो है वो इस टाइप की बन जाएगी। आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी है वो आपको आ गया होगा। मैंने कोई खतरनाक लॉजिक नहीं लगाया है, बस मुझे स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद था, डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये पता था, सम का मतलब क्या होता है ये पता था, कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता गया, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए ए बी सी जरूरी है, तो वो लिख देते हैं। ए है 1, बी है 6, सी है हमारा 216। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ ऊपर, तो इस पार्ट को रफ कर देता हूँ।
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड टू ए, और वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी बी स्क्वायर ए सी ए, अब चाहे तो पूरी इक्वेशन को रफ कर सकते हैं। एक्स हो गया माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4 6 8 होल डिवाइड 2। कैलकुलेशन है अब बच्चों, कैलकुलेशन हमने इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेशन आ रही होगी, ठीक है, और नहीं आ रही है तो और प्रैक्टिस करो बच्चों। अंडर रूट 900 की वैल्यू तो आप सीधा ही बता सकते हो, 30, एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का साइन लेंगे, साइड कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो यहाँ से साइड आ जाएगी आपकी 24, 12, और यहाँ से साइड आ जाएगी आपकी माइनस 18, माइनस 18 साइड पॉसिबल ही नहीं है, तो आपकी जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड आ गई 12, और लार्जर की साइड कितनी हो जाएगी, लार्जर साइड वो थी हमारी अंडर रूट 468 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो लार्जर स्क्वायर जो है उसकी साइड भी मिल जाएगी। सर ये कहाँ से आया, ये हमने याद हो बच्चों जब इक्वेशन बनाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको साइड निकाल के दिखाई थी, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है 4.3। 4.3 में हमने सारे क्वेश्चंस कराए, एक भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं किया है, फिर भी इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो और उसके अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना, ठीक है, मैं उनका या तो एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा या फिर वहीं पे आपको एक हिंट दे दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।